सागर यादव, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। और आज हम खड़े हैं बैनलिंग के एक न्यू ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के सामने जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका नाम है बिलीव, यानी कि आप इस पे यकीन कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, तो ट्रस्ट में आप इस स्कूटर पे यकीन करके बोल सकते हैं कि हाँ, ये मार्केट का सबसे बड़ा स्कूटर है। मैं आपको फ्रंट से, साइड से इसकी डायमेंशन आपको दिखाता हूँ। देखने में इतना ह्यूज लग रहा है ना, सेम टू सेम इसकी पावर, इसकी कंजप्शन, इसका जो पिकअप है वो आपको बताने जाऊँगा मैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको बिल्कुल ही पियानो ब्लैक फिनिश में एक आपको हेड दिखेगा, जो आपको दिखता है ना कैप्टन अमेरिका का, या लाइक दिस, कि आपको लगेगा कि इस पे लाइट है, लेकिन ये लाइट नहीं है। बिल्कुल ही परफेक्टली डिज़ाइन किया हुआ है डायमेंशन वाइज में, ठीक है। और देखने में जो इसकी लुक निकल के आती है सामने से, वो बहुत ही प्यारी निकल के आती है। फ्रंट में यहाँ पर आपको मिलेगा बैनलिंग का बैजिंग, और यहाँ से आपको मिलती है एयर इनटेक करने के लिए विंड्स। यहाँ पर आपको मिलता है कम्प्लीटली एलईडी का सेटअप मिलता है, और जो सिंपल लाइट्स मिलती हैं वो हैलोजन में आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट में। फ्रंट में इसके गार्ड दे रखा है, ठीक है। और इधर की साइड में आपको इंडिकेटर के हैलोजन बल्ब मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा इसका जो शोक अब्जॉर्बर है वो है, जो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे, वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। एंड फ्रंट में आपको जो टायर मिलने वाला है वो 90x90 12 इंची का टायर मिलने वाला है रिम के साथ। और यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, बैनलिंग की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे कम्प्लीटली सेटअप है फ्रंट में कुछ इस तरीके का, और जो कि आपकी इसमें अभी आपने देखा कि इसके जो डिस्क का साइज़ है ना वो काफ़ी ठीक है बाकी अदर ईवी स्कूटर के मुकाबले, तो जो आपकी ब्रेकिंग को इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है, ताकि आप किसी भी कंडीशन में ब्रेक यूज कर सकते हो। अब कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको उतना ही जेन्युइन मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग का साइन मिल रहा है, बिकॉज ये अपना व्हीकल अभी पार्किंग मोड पे खड़ा हुआ है। एंड इसके साथ साथ इधर आपको गियर दिखेंगे, यहाँ पे आपको किलोमीटर दिखाई देंगे। और इसमें जो मिलता है आपको दो मोड मिलते हैं सिंपल, इसमें आपको दो मोड दिखाई देंगे, एस फॉर स्पोर्ट्स मोड जिसकी थर्ड मोड पर काउंट होता है, एंड एम फॉर आपको मिलेगा इको मोड मिलता है, ठीक है। ये फोर्थ गियर में जाके काउंट होता है, एंड फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड हो चाहे इको मोड हो, बोथ मोड में जो आपकी रेंज मिलने वाली है, स्पोर्ट मोड में मिलेगी आपको 100 किलोमीटर, स्पोर्ट में आपको मिलती है 100 किलोमीटर की, इको एंड रेंज मोड में आपको मिल जाएगा 140 किलोमीटर तक का आपको पिकअप मिलने वाला है। इधर पर आपको जो साइन मिलता है वो हॉर्न के लिए मिलता है। ये आपको इंडिकेटर के स्विच मिलेंगे, यहाँ पर आपको लाइटिंग के स्विच मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हैलोजन पार्किंग का स्विच मिलेगा। जैसे आप इसको प्रेस करते हो, आप इसको हैलोजन ये पार्किंग ऑन कर सकते हो, जैसे कि आप कार में यूज़ करते हो। आप कहीं पे भी पार्क हो, आप इसको साइन दे सकते हो। तो फीचर्स एकदम कार वाले दिए हुए हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसा कि इसका साइज़ मैंने आपको दिखाया, इसकी डायमेंशन के हिसाब से इसकी जो पिकअप एंड पावर है वो काफ़ी यूज़ होने वाली है। अभी बात करते हैं इसके फ्रंट में आपको दिखाई देगा। फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की की आपको मिलने वाली है, सेम बैनलिंग की बैजिंग भी दी हुई है। और यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक और पावर स्टार्ट करने का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं तो सायरन के साथ लॉक हो जाती है, एंड अनलॉक आप कर सकते हैं। ये सायरन है ताकि आपको, अगर आपकी कहीं स्कूटी खड़ी हुई है तो आपको पता चल जाए। यहाँ पर हम इसके कंपार्टमेंट को खोलते हैं तो आगे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें आप अपना पर्सनल सामान कैरी कर सकते हो। इसमें आपको एक अंदर की साइड में चार्जर भी दिखाई देगा, जहां से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। इस हाउसिंग में आपको चार्जर की फैसिलिटी मिलती है, जो कि जब आप इसकी डिलीवरी लेते हो तो उस टाइम पे आपको कनेक्ट करके दे दी जाती है। तो ये इसका ग्लव बॉक्स है, इसमें चाहे आप अपना पर्स रख सकते हो, मोबाइल यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलता है चार्जिंग करने के लिए। यहाँ फ्रंट में आपको एक स्पेशल चीज़ मिलती है, देखो ये मिलता है आपका लगेज होल्ड करने के लिए सॉकेट मिलता है। इसमें आप इसको ओपन करके कोई भी पोलोथीन वगैरह, कैरी बैग वगैरह, इसको होल्ड कर सकते हैं, अपने लगेज को सुरक्षित रख सकते हैं। और सामने आपको दिखाई देता है एक फ्रंट सा अपना फुट स्टेप। इसके साथ साथ जब आप इसको परचेज करते हो तो आपको एसेसरीज़ के रूप में फ्लोर मैट मिलता है, फुल बॉडी गार्ड मिलता है, हेलमेट मिलता है। ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से एसेसरीज़ में दी जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट, जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये था इसका फ्रंट का डिपार्टमेंट। अभी चलते हैं इसके साइड में। साइड में आपको दिखाई देगी बिलीव की बैजिंग, और जो आपको
आपके पीछे रियर व्हील के तरफ में काफ़ी बड़ा सारा स्पोर्ट्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से कवर किया गया। बात कर लेते इसके बैटरी की, तो इसमें जो बैटरी मिलती है वो 3.2 kWh की बैटरी मिलती है, जो कि स्वैपेबल बैटरी, आप उसको रिमूव करके बाहर भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बैटरी की वारंटी है यहाँ पे 36 मंथ की। और पीछे की तरफ चलते हैं तो इधर जो आपका टायर साइज मिलेगा वो भी सेम 90x90 12 इंची का रिम दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलने वाले हैं, वहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से बैटरी के कंपार्टमेंट को कवर करके रखा हुआ है। और यहाँ पीछे से अगर आप ग्रैब हैंडल की बात करते हो, तो आप अपने कितना भी लगेज रख सकते हो, फुल्ली टाइट है, फुल्ली कवर किया हुआ है। इतनी बिल्ड क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिलीव के इस स्कूटर में। और पीछे की तरफ भी ब्रेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बैनलिंग ने डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं। जैसे कि कैलिपर का साइज़ देख के आपको पता चल रहा है कि ईवी में इतना बड़ा कैलिपर दे रखा है, यानी कि इसकी ब्रेकिंग को कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया गया है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आपको फुट रखने के लिए फुट स्टेप मिलते हैं। और जैसे कि ये स्कूटी अभी लॉक मोड में थी, तो अगर लॉक में कोई भी आपकी स्कूटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये सायरन की आवाज़ करती है, बीप की आवाज़ करती है, ताकि उसके कस्टमर को पता चल जाए कि उसकी स्कूटी के साथ कोई मिसहैपनिंग होने वाली है, कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसका बूट ओपन करते हैं। ये इसका बूट स्पेस है और यहाँ पर बैटरी जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैटरी की हाउसिंग है। बैटरी की डिटेल्स मैंने आपको बताई है, 3.2 kWh की बैटरी मिलती है, जो कि स्वैपेबल है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, हैंडल से पकड़ के, और बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं। और जो बैटरी की वारंटी मिलती है वो 36 मंथ की मिलती है या 50,000 km तक की। और जो इसकी चार्जिंग रेटिंग वोल्टेज है वो 72 volt का है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्जर, ये इसका चार्जर है। इसको आप इजीली कैरी करने के लिए कंपनी ने इस पर हैंडल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कंप्लीट डायमेंशन है, लिथियम बैटरी चार्जर फॉर ईवी, आउटपुट है एम्पियर 10 एम्पियर का, और वोल्टेज है जो भी है सारी चीज़ें इस पर मेंशन है, एंड मॉडल नंबर भी इस पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ बैटरी में डाल के चार्ज कर सकते हैं। तो ये था इसका चार्जर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस बैटरी को एक बार चार्ज किया है तो इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। इस बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं इस बैटरी को चार्ज होने में। और उसके बाद आपकी मोटर की जो कैपेसिटी निकल के आती है वो 3.2 kW की निकल के आती है, और जिसको 52 km/h तक की इस पर कंटिन्यूस पीक पावर आपको मिलती है। अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं 0 to 40, तो आप इसको मिनिमम 5 सेकेंड में इसको टाई अप कर सकते हैं 40 km तक। इसमें 4 BLDC मोटर्स का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ से आपको एक MCB दी हुई है, जो कि आपके इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिलीव को काफ़ी अच्छा बनाती है। बाकी आपने मार्केट में बहुत सारी स्कूटी देखी होंगी, जेन्युइनली इतने बड़े बिग साइज में कोई भी स्कूटर अभी अवेलेबल नहीं है, कोई स्कूटी अवेलेबल नहीं है जो कि अभी बैनलिंग के पास है। बिलीव ये रिसेंटली न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, या इसके वारंटी पे, या इसकी सब्सिडी पे क्या हमें कुछ कॉस्टिंग मिलने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको मिलाता हूँ इस शोरूम के ओनर से, जो कि आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि क्या कुछ आपको इस स्कूटर के साथ मिलने वाला है। तो अब हमारे साथ है श्री नेताराम जी है, जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखी होगी बैनलिंग के में। तो सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। तो सर आज आप हमारे सामने लेके आए नया प्रोडक्ट बिलीव, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये नया लॉन्च हुआ है तो मार्केट में क्या पकड़ बनाएगा, क्या स्पेशल है? ये सबसे बड़ा स्कूटर है इलेक्ट्रिक का जी, और इलेक्ट्रिक मार्केट में ये सबसे ऊँचा सबसे बढ़िया स्कूटी है, सबसे ज़्यादा स्कूटी है, सबसे ज़्यादा माइलेज की स्कूटी है जी। तो सर दिखने में जितनी बड़ी है उस हिसाब से ये इतनी कैपेबल है लोड ले जाने के लिए? ये 2.5 क्विंटल वजन ले जाने में कैपेबल है, 2.5 क्विंटल की इसकी लोड ले जाने की क्षमता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेट की, तो इसका प्राइस आप लोग क्या क्या है? एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये जी, और RC इंश्योरेंस लगा के ये 1,18,000 रुपये में ऑन रोड पड़ती है। इसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है गवर्नमेंट की? सब्सिडी काटने के बाद ये इतने रुपए में आएगी, इतने में आएगी। तो सर इसकी गारंटी वगैरह की बात करें तो क्या कुछ गारंटी मिलेगी इसमें? 3 साल की बैटरी की गारंटी है, 3 साल की मोटर की गारंटी है, 2.5 साल कंट्रोलर की गारंटी है, 1 साल चार्जर की गारंटी है।
तो सब कुछ अपने शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगा सर, सारी चीज़ अपने शोरूम पे अवेलेबल। तो अपना अगर किसी को पसंद आए तो अपने शोरूम का एड्रेस और बता दीजिए। मेरा शोरूम चंद्रा इंटरप्राइज रेवाड़ी में स्थित है जी। रेवाड़ी पे मेन रोड पे जब भी आप आओगे तो आपको शोरूम देखेगा। सर एक लास्ट बात ये कि आप मार्केट में बहुत सारी स्कूटर है, स्कूटी है, लेकिन अभी जो बिलीव ये आया बैनलिंग का, ये उस हिसाब से कितना कंपटीशन दे पाएगा, आपको क्या लगता है? ये मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देने वाला स्कूटर है, ये सबसे हैवी स्कूटर है इस मार्केट में। कोई भी कहीं भी जाओ, किसी भी गाड़ी इलेक्ट्रिक शोरूम पे आप जाओ, कहीं भी इतना बड़ा स्कूटर आपको मिल जाए तो मेरे को बताना। और बिल्ड क्वालिटी में सर, जैसे आपने ओरा का दिखाया था, बिल्ड क्वालिटी में सेम ही उसी को टक्कर देता है? उससे भी मजबूत है ये, उससे भी मजबूत है ये ओरा से भी मजबूत स्कूटर है और अभी लॉन्च हुआ है ये। तो जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं और जो चाहते हैं बिलीव को अपना बनाना या उसको परचेज करना, वो आए नेताजी खुशीराम जी के पास और अपनी डील क्रैक करें। जो भी प्राइस में अप या डाउन होगा वो शोरूम पे आके आपको जरूर कस्टमर को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।